मालून वसीम रिजवी ने फिर एक बार कुरान मस्जिद की बेहुरमती की। 26 आयतों को पढ़कर एक नई कुरान मस्जिद को मदरसाओं में भेजने की बात करते हुए एक वीडियो वायरल किया, जिसके बाद आज बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर कुछ खवातीनों ने वसीम रिजवी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई और इस मालून के खिलाफ नारे भी लगाए। बिलखुसूस हिंदुस्तानी मुसलमानों से गुजारिश करते हैं, इस मालून की कुरान मस्जिद की कोशिश को नाकाम करें। पुलिस स्टेशन में शिकायत के बाद इन दीनी बहनों ने कहा कि कुरान मस्जिद में ना कोई तब्दीली हुई है, ना ही क़यामत तक तब्दीली हो सकती है। हम मुसलमान अपनी जान देंगे, लेकिन कुरान शरीफ में कोई तब्दीली नहीं होने देंगे, खवातीनों ने कहा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं सैयदा नुसरत, आज हम लोग रोड नंबर 3 बंजारा हिल PS में आए हैं। यहाँ पर वसीम रिजवी के लिए उसके केस दर्ज करे हैं हम लोग, क्योंकि उस इंसान ने कुरान मजीद के 26 आयतों को निकाला है, जबकि किसी को हक़ नहीं है, हमारी कुरान है और उसको इसका हक़ कौन दे दिया। और ये हर जगह से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमान मोमिन अभी भी जागे और हमारे दीन और इस्लाम को बचाए हम लोग, कि इतनी बड़ी जुर्रत किया है उसने, 26 आयतें क्या एक हरूफ नहीं निकाल सकते। और किसी की मजाल है तो कोई हाफिज़ कुरान के सीने में से कुरान मजीद निकाल के बता दे। बदबख्त मर्दूद, 26 आयतें निकाला है कुरान के और फाड़ के फेंका है, इतनी जुर्रत उसकी कुरान मजीद की आयतें फाड़ के फेंका, और नई कुरान बना के बोलता है कि अब ये कुरान हर मदरसे में पढ़ाई जाएगी, हमारी जान दे देंगे हम कुरान के लिए, दीन और इस्लाम के लिए होने नहीं देंगे, उसको अरेस्ट करे, कुर्बानी। आज हम मुसलमान इतने लोग हैं, आज 10 है यहाँ पर लेडीज़, लेकिन 200-300 लेडीज़ रेडी है, हम जान पैसे खेलेंगे दीन और इस्लाम के लिए। इतनी बड़ी जुर्रत की कैसा उसने, उसको रोके, उसके पर केस, हर कोई केस डाले, अल्लाह के लिए दीन और इस्लाम को बचाए, आपका ईमान जगाए। आप केस डाले? जी हाँ, केस डाली हूँ, ये है एक्नॉलेजमेंट, हम हाई कोर्ट रुजू हो रहे हैं, बंजारा हिल PS रोड नंबर 3 पे, ये है, देख सकते हैं आप, ये देखिए आप, और हमारा साथ दीजिए, अल्लाह के लिए दीन इस्लाम को बचाइए।